हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और गाइस, आप सभी को मेरे तरफ से जय श्री कृष्ण। तो गाइस, शीतल बोलेगी कुछ तो बोलेगी, इसके बाद मैं बोलूंगा। गाइस, आज का जो व्लॉग है वो हमारी पुरानी यादों के ऊपर है। मैंने आपको बीच में बताया था कि हमारी जो वीडियोज हैं वो डिलीट हो गई थी फोन से, तो इस चक्कर में हम लोग अपने ब्लॉग से नहीं बना पा रहे थे। तो मतलब अब जो है खुशी की बात ये है कि वो वीडियोज हमें कहीं ना मतलब मिल गई हैं, तो हमने सोचा रिकवर कर ली। हाँ, हमने रिकवर कर ली। और तो सोचा कि मतलब गांव की जो मेमोरी थी, हम लोग गांव जब गए थे तो वो मेमोरी आपके साथ साझा किया जाए, क्योंकि आप भी आरसी फैमिली का हिस्सा हो, तो अपनी मेमोरी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो इस जर्नी को आप देखना कि किस तरह से हमने गांव के साथ मतलब गांव में टाइम स्पेंड करा, कितना मज़े करें, तो वो सब हम आरसी फैमिली को दिखाना चाहते हैं अपनी जर्नी। हाँ, तो गाइस, ये जो व्लॉग होगा ना हमारी पुरानी मेमोरी से रिलेटेड है। जो वीडियो नहीं थी वो आ चुकी हैं, अब हम उन्हें देखिए और इन्जॉय करिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप यू आर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। सो गाइस, हो गई है हमें सुबह, कल रात को हम लोग पहुंच गए थे। एक सेकंड गाइस। गाइस, यहाँ गाय आ रही है। गाइस, कल रात को हम लोग यहाँ इस मंदिर पे पहुंच गए थे और हम लोगों ने कर ली थी अपनी मतलब कल रात हम लोग ने यही मतलब स्टे करा था। हम लोग यही आए थे, यही रुके थे और पूरी रात हमने यही रात को रेस्ट करा, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे। तो हम लोग यही रुके और यही हम लोगों ने खाना पीना बनाया अपना और मज़े से खाया। यहाँ पे हमने ये देखिए, यहाँ हमने अपना चूल्हा लगाया था और चूल्हा पे हमने चूल्हे पे दाल बनाए थे, चावल बनाए थे और क्या, हाँ, और रोटियाँ बनाई। तो गाइस, मैं आपको वो साइड दिखाती हूँ जहाँ पे हम लोगों ने कैसे चूल्हा लगा के जो है रोटियाँ बनाई हैं, दिखाती हूँ मैं आपको आज। और अब हो रही है हमें मॉर्निंग टी की तैयारी, तो मॉर्निंग में हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे टी की तैयारी। देखिए, मम्मी जी जो है वो सुबह ही नहा ली थी। ये कैसे हम लोगों ने अपना जुगाड़ बनाया गाइस, देखो देसी जुगाड़ बिल्कुल। और चाची जी जो है उन्होंने भगोने का भी इंतजाम कर लिया था, डिस्पोजल हम लोग अपने साथ लेकर आए थे। यहाँ हमारा बिल्कुल देसी तरीके से खाना पीना चल रहा है, ये देखो। और कितना मजा आ रहा है यार, मतलब ना खुद बना के खाओ ना तो उसका मज़ा ही अलग होता है गाइस। आप भी ये चीज़ फील कर पा रहे होंगे, आप जब ब्लॉग देखोगे ना तो आपको बहुत मज़ा आ रहा हो। ऐसे ही शूट कर रहा था मैं, चल चिंता मत कर, ज्योति तेरा कुछ भी शूट नहीं हुआ। तो गाइस, ये है खुकार जंगल जहाँ हमारा गांव है और ये हमारी माता का मंदिर है। माता के मंदिर का नाम क्या है? केला देवी का मंदिर, चावण मैया और बिल्ला देवी मंदिर। बिल्ला देवी मंदिर है गाइस, मैंने बिल्लोन कहा था इसकी गलत, सॉरी चाहता हूँ। वो गाइस मैं मेंशन कर दूंगा वीडियो में, ये गांव हमारा इसे हम प्यार से कहते हैं बिल्ला देवी मंदिर। अरे तो तू गुटका निकाल मुंह से। कौन सा मंदिर है भाभी? बिलोनी देवी। हाँ बिलोनी, सॉरी, अरे एडिट हो जाएगा अपने आप ही। तो मुझे तो मैं बना। तो गाइस, हम हैं बिलोनी देवी मंदिर पे और मेरे साथ जा रहे मेरा परिवार। ये तो मेरा पूरा हाय करो गाइस। अभी हम नीचे थोड़े उतरे थे ना, तो यहाँ पर मैंने देखा था एक पूरी भैंस का ना पूरा कंकाल पड़ा हुआ था, तो पूरी भैंस का कंकाल, तो हम डर गए यार। मैंने कहा इधर मतलब खतरा भी हो सकता है, तो इनकी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लठ लेके जा रहा हूँ। इस लठ का नाम है अखंड लठ। गाइस, कुछ इस तरह से ये व्यू है और अभी हम लोग जा रहे हैं पार्वती नदी पे। तो ये इतना बड़ा कंकाल है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो, इससे यह पता लगता है, और गाइस इससे ये पता चलता है कि ये जगह थोड़ी डेंजरस है, क्योंकि यहाँ जानवर भी आ सकते हैं। तो उससे थोड़ा सा अगर आप लोग यहाँ आए तो थोड़े सावधान होकर आए।
ਸਕਤੀ ਅਸੀਂ ਸੀ ਪੇ ਕੇ ਭਾਈ ਸਰ ਭਾਈ ਕਹਾਂ ਬੇਟੇ ਕਹਾਂ ਹੈ ਯੇਰੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਹੈ ਇਧਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਦੀਦੀ ਬੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ हम तो बीच में जा रहे बैठने के लिए निकाल दो दीदी कहाँ पर है बीच इधर खड़े हो अच्छा इधर पानी बोलो ओ गाइस सीप कहाँ दिखाना गाइस यहाँ पर सीप ही सीप है बहुत सारी ये ऐसा तो नहीं किसी ने निकाल के फेंक रखी हो खोखा उससे देखा अरे बच्चा खोखला है खोखला तो गाइस कितना अच्छा नजारा देखो यहाँ पर ना फील हो रही है ठंडा इधर ना इधर आते ही थोड़े पानी से हवा टकरा के आ रही है तो ठंड ठंडा लग रहा है इधर थोड़ा अच्छा लग रहा है आ रे 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 ये 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 मम्मी एक काम करो तैर के देख ले छोटी डंडी दे देगा ना छोटी डंडी दिखाइयो कहाँ है अरे अब सिप नहीं है वो कहाँ है बता कहाँ है अरे रुक जा रहा भाई अब तो हाथ से निकाल ले भाई हाथ से निकाल ले यार ये रही सिप सिप भाभी सिप है यहीं से ऊपर से पकड़ना ये हमारी भाभी सिप पकड़ते हुए निकल गई सिप ये है देखो बढ़िया सिप ढूंढी दिखाना भाभी मोती निकलता मोती दिखाना लो मैं खोल दूंगा ये हमारे आर क्यों लड़ नहीं देरी आज कीड़ा निकलेगा इसको काटना पड़ता है अरे कुछ बना के खोल देंगे थे अभी बच्चे हैं ना ये इनमें कुछ नहीं अभी छोटे हैं ये नैन्सी कैसा लगा नोनू कैसा लगा गिर के सिप पकड़ेगी आके थे पकड़ेगी सिप सन्नी भाई कुछ बोल टी शर्ट उतार दी तूने गर्मी लग रही है ज्यादा गर्मी लग रही थी ज्योति के पास आ रहा हूँ ये डरती है मैं कुछ बोलता हूँ कुछ नहीं बोला ज्योति कैसा लग रहा है बहुत तेज लग रहा है चुन्नी इतनी क्यों ढक रखी हमने तो नहीं ढकी मेरे सर पे ज्यादा लग रही है यार बहुत तेज धूप है तो कुछ मत यहीं यहीं कर दे बस अच्छी आ रही है लेकिन हकीकत में हवा अच्छी आ रही है भाभी ने एक पत्थर गिर रखा अकेले नहीं को दूर करना आरव सावधान ये पत्थरों की लड़ाई हो रही है यहाँ पर ओए पागल है ज्योति तू रहने दे तू बड़ी है सर पे मारूंगा तो इसमें ताकत आ गई एक नई शक्ति का उच्चारण हुआ इसमें ज्योति के बाद मारो भाई ज्योति नहीं डरती उसका टाट भी लगेगा आरब हाँ पागल है तो मंकू मार रहा करेक्ट पत्थर देखो ये लेगा निशाना ओए अबे हमारे मुंह पे ना लग जा भाई मंकू डीट है मंकू मार रहा खतरनाक पत्थर अब क्या नाला साफ कर रहा है क्या आरब आरू क्या कर रहा है बेटा जब से अभी तो बाघ देखने जाएंगे गांव जाएंगे तो गाइस हम फाइनली इस जगह से घूम के आ चुके हैं और ना अलग अलग बनाया हुआ है तो गाइस हम घूम के आ चुके हैं अब जा रहे हैं हम वापस मंदिर पर जंगल का हमने पूरा कितना एडवेंचर ले लिया और नूनू की हालत इतनी गाइस इतनी टाइट हो गई ना उसे गोदी में उठा के ले जाना पड़ेगा अभी गिरी ऐसा लग रहा है नूनू वो ढीली हो गई पूरी और शीतल को देखो ऐसा लग रहा है लड़की गाय का दूध पी दिए गाय का नहीं गांव का शीतल ये देखो चाय एक थैला भी टांग लो चाय पत्ती तोड़ने वाली लगी पूरी असम में चाय पत्ती नहीं तोड़ती तो गाय जब हम जा रहे हैं फाइनली घर पर मतलब माता के दरबार पर जहाँ पर हम रेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर जा रहे हैं थक गया भाई और तो सब आगे निकल के देखो हो रहे
नोनू नैन्सी देखो मैं दिखाता हूँ, ये सब आगे निकल गए है ना। तो गाय हम ही रह गए, गाय हम ही रह गए। और मैं, मेरे पीछे है सन्नी और मयंक और उसके पीछे अनुष। तो मिलते हैं अपनी जगह पर जहाँ पर हम रेस्ट करेंगे, जहाँ पर रुके हुए हम। अगर गाइज ये वीडियो आपने यहाँ तक देख ली तो उसके लिए दिल से थैंक यू। अगर मिलते हैं अगले व्लॉग में, ये था पार्ट वन, हम मिलेंगे पार्ट टू के अंदर गाइज। और देखो गाइज आप कितना तंग कर रहा हूँ, इतना शराब है। तो गाइज बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। जब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटें। जय श्री कृष्ण। कीड़े तो पुनाले अकीला कीला दम दमा दे कीला।